सो भाई आज का जो ये पीसी आप देख रहे हो थंबनेल में आपने एकदम सही देखा है, मात्र 2,70,500 के आसपास का पीसी है। और इस पीसी में जो प्रोसेसर लगा है वो लगा है एएमडी का लेटेस्ट प्रोसेसर लगा है, आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, बहुत शानदार प्रोसेसर लगा है। मैं आपसे बेट लगा रहा हूँ, अगर आपको 4K एडिटिंग करनी है और 4K हाई लेवल हाई सेटिंग पे, अल्ट्रा सेटिंग नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हाई सेटिंग, 4K में हाई सेटिंग में आपको एडिटिंग करनी है, 3D मैक्स, ऑटो कैड, EDS और माया, मतलब जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर हैं वो प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट ये सब रन करने हैं, तो फिर उसके लिए आगे पीसी बनाएं, बहुत पावरफुल पीसी बना, अल्टीमेट पावरफुल पीसी बनाएं। सो भाई व्हाट्स अप, कैसा हो सब? आपका भाई शादाब खान एंड वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले। आप भी चाहो इस तरह का कोई पीसी बाय करना, तो आपके स्क्रीन पे दो नंबर आ रहे होंगे, दोनों में से किसी भी हमको व्हाट्सएप करो, एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल कर दो, मैं खुद कॉल करूंगा आपको, मैं खुद आपको फ़ोन करूंगा। और अगर आप चाहते हो वहाँ में, और आप चाहते हो कि फिज़िकल हमारे स्टोर से लेना, तो आपके डिस्क्रिप्शन में हमारा स्टोर का एड्रेस पड़ा है, वहाँ से आप आके इसको परचेज कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आप लोग आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, हम लोग पीसी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, पीसी बिल्ड की ही वीडियोज़ बनाते हैं, 500 वीडियोज़ पड़ी हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट पड़ी है, जिस शहर में आप रहते हो उस शहर की प्लेलिस्ट चेक कर लो, कहाँ कहाँ हमने पीसी को भेजा है। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पीसी के कंपोनेंट्स आपको दिखाते हैं। सो भाई ये रही हमारी कैबिनेट, कोर्सेयर 7000X ब्लैक कलर कैबिनेट है, दो कलर में आती है, व्हाइट एंड ब्लैक। फ्रंट में देखिए आपको 140mm के तीन फैन मिल जाते हैं RGB, और फ्रंट में आपको मिलता है साथ में ग्लास, ठीक, और साइड में भी आपको यहाँ पे देखिए ग्लास मिल जाता है, और ग्लास ये है, यहाँ से इस तरह से खुल जाता है। फुल ATX मदरबोर्ड, क्या EATX मदरबोर्ड आप लगा सकते हो उसमें, पावर सप्लाई का शॉर्ट भी दे रखा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। टॉप पे आप इसमें 420mm तक का रेडिएटर लगा सकते हो, मतलब 400 रेडिएटर सपोर्ट है, 120mm का आपको एक पीछे फैन मिल जाता है, वाटर कूलिंग आप इसमें कर सकते हो, बजट के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बहुत टॉप नॉच कैबिनेट है यार, बिल्ड क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कोर्स है तो मतलब कोर्स है, टॉप पे भी आपको देखिए यहाँ पे मिल जाता है ग्लास, और ये रहे इसके IO पोर्ट्स, टाइप सी का भी पोर्ट आपको मिलता है, चार मिलते हैं आपको 3.0 के पोर्ट। सो भाई सबसे पहला कंपोनेंट हम लोगों ने इस बिल्ड में यूज़ किया है, वो यूज़ किया है पावर सप्लाई, थर्मल डे की पावर सप्लाई है, टफ पावर GF3 1000W 80+ कोड, और ये फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, 1000W पावर सप्लाई हमने यूज़ की है, सो दैट अगर आप चाहो फ्यूचर में इसमें 4090 लगाना आप इजली लगा सकते हो, 4090 को भी ये सपोर्ट कर लेगी पावर सप्लाई। और बात करें कॉस्टिंग की, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हो उस दिन का प्राइस आपको चेक करना हो तो उस लिंक पे क्लिक करना, आपको अमेजोन के पेज पे भेजेगा, वहाँ पे आपको दिखा देगा कि जिस दिन, क्योंकि प्राइस हमेशा चेंज हुआ करते हैं IT इंडस्ट्री में। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए भाई साहब, ये रही हमारी पावर सप्लाई थर्मल टेक की 1000W 80+ कोडियम की साथ अनबॉक्स, और उसके बाद अनबॉक्स के बाद ये निकालिए, देख लीजिए ये मिल गई हमको पावर सप्लाई थर्मल टेक 1000W 80+ गोल्ड। ये रहे इसके फीमेल और पोर्ट्स, GF3 10 साल की वारंटी कंपनी देती है आपको, और इसमें आप अगर चाहो तो 4090 तक ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हो। ये रहा इसका रिप बैग जिसमें हमको रिमेनिंग केबल्स मिल जाते हैं, और इसके अंदर ही हमको मिलता है इसका पावर केबल, ये देखिए ये रखा हुआ, ये पावर केबल हो गया, उसके बाद रिमेनिंग केबल हैं उनको आप एज पर योर नीड अकॉर्डिंग आपकी मर्जी से सिस्टम में लगा सकते हो। सो भाई उसके बाद जो हमने मदरबोर्ड लगाया वो लगाया है गीगावाइट का X670 ORS Elite X PCI 5.0 रेडी NVMe के लिए, DDR5 सपोर्ट मिल जाता है आपको, और इसमें आपको मिलता है क्या बोलते हैं Wi-Fi 6E वर्जन मिलता है, बहुत शानदार मदरबोर्ड है X670 ORS Elite X, सफली 30,000 के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है। ये रहा हमारा मदरबोर्ड X670 और Elite X, सील आपके सामने ब्रेक हुई, आपके सामने सब कुछ अनबॉक्स हो रहा है, ये देख लीजिए ये हमने सील ब्रेक कर दी, ये निकल आया हमारा मदरबोर्ड, बहुत शानदार मदरबोर्ड है, मतलब बिल्ड क्वालिटी बजट अगर आप देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको, 4 RAM स्लॉट, प्रोसेसर स्लॉट, 3 ATX स्लॉट, और ये रहा इसके IO पोर्ट्स, टाइप सी का भी पोर्ट दे रखा है, Wi-Fi 6E, और उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी अच्छी है मदरबोर्ड की, अगर आप इस बजट में जा रहे हो तो X670 और Elite X की तरफ जा सकते हो, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से अच्छा मदरबोर्ड है। उसके बाद जो हमने से प्रोसेसर यूज़ किया है मेन, तो वही है भाई साहब AMD का लेटेस्ट AMD Ryzen 95950X प्रोसेसर यूज़ किया है। देखिए कितने हैं इसमें, 16 कोर एंड 32 थ्रेड, 16 कोर 32 थ्रेड प्रोसेसर है, और 80MB कैश मेमोरी के साथ आता है। एंड सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गया इसका सीरियल नंबर मदरबोर्ड का, तो मदरबोर्ड का सीरियल नंबर देख लीजिए, ये रहा
और उसके बाद सीरियल नंबर हमारे सप्लाई का वो भी भूल गए थे दिखाना आपको, हम दिखा रहे वरना आयुष भाई कहेंगे चलो भाई दिखाए क्यों नहीं, ये रहा इसका सीरियल नंबर। सो आयुष भाई ये देखिए ये रहा सीरियल नंबर आपके प्रोसेसर का। तो भाई ये रहा हमारा कंप्लीट ए टू सेट, कैसा लगा प्रोसेसर आप लोग कमेंट करके बताओ। बात कर रहे हैं इसकी कॉस्टिंग की, बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक पढ़ा चेक कर लेना। ये रहा हमारा प्रोसेसर, इसकी सील लेके हमने कर दी प्रेक, प्रेक के अंदर हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मिलता है इंडिविजुअल प्रोसेसर AMD Ryzen 9 5950X। बहुत शानदार प्रोसेसर, आज के टाइम का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है नॉर्मल गेमिंग PC के लिए। उसके बाद जो मैंने उसमें रैम यूज़ की है वो यूज़ की है थर्मलटेक की, ये देखिए आपके आपके है 16x2 6000 MHz की GDDR5 फेस रैम यूज़ की है 6000 MHz की, अराउंड 12-13000 इसकी कॉस्टिंग आती है। सो भाई ये देखिए आपके सामने सील ब्रेक हो रही है थर्मलटेक की टफ रैम की, ये हमने सील ब्रेक कर दी और ये निकली हमारी रैम, देखिए बहुत ही शानदार रैम है 16x2 6000 MHz की RCB रैम, लेटेंसी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, रैम की बिल्ड क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा है, A2Z 32GB रैम है, आप अपना कोई भी काम इससे कर सकते हो। और इसमें NVMe हम नहीं यूज़ किए, NVMe वो WD की SN770 1TB की ऑलरेडी लेके आए थे, इसीलिए जो ये कॉस्टिंग 2,70,500 बताई बताई मैंने उसमें NVMe इंक्लूड नहीं है। सो भाई ये रहा लिक्विड कूलर जो कि हम लोगों ने इनके बेड में यूज़ किया, थर्मलटेक का TS360V2 अल्ट्रा ARGB सिंक स्नो एडिशन है, AIO लिक्विड कूलर है हमारा, बहुत प्यारा लिक्विड कूलर है 360mm का विद डिस्प्ले के साथ, कस्टमाइजेबल डिस्प्ले है, आप इसको अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं। सो भाई देखिए सील ब्रेक हो रही है हमारे लिक्विड कूलर की आपके सामने और इसको अनबॉक्स करते हैं, दिखाएं सबसे पहले आपको कि अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये तीन फैन निकले 120mm के आपके सामने देख लीजिए, और उसके अलावा सारी एक्सेसरीज निकल रही है, और ये रहे 120mm के RCB फैन, बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार इनकी, बहुत ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी से आते हैं, थर्मलटेक के लोगो आपको मिल जाता है, 120mm के तीन फैन वाइट कलर के मिलते हैं। ये रहे इसके एक्सेसरीज, AMD और इंटेल दोनों की मिल जाती है आपको एज़ पर यू नीड, आप जो भी चाहो लगा सकते हो। और ये रहा हमारा रेडिएटर 360mm का, जिसमें आपको डिस्प्ले वाला मिलता है CPU हेडर, कस्टमाइजेबल CPU हेडर है, जो चाहो वो आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसका एक अलग सा सॉफ्टवेयर आता है उसके थ्रू आप इसमें कस्टमाइजेशन जो भी चाहो अप्लाई कर सकते हो एज पर योर नीड। सो भाई ये रहा ग्राफिक कार्ड जो कि हमने इनके बिल्ड में यूज किया है, Zotac गेमिंग के साथ आने वाला GeForce RTX 4080 Super 16GB का GDDR6 बेस ग्राफिक कार्ड है, और ये ट्रिनिटी OC एडिशन है, वाइट कलर का ग्राफिक कार्ड, बहुत प्यारा ग्राफिक कार्ड है, बहुत शानदार ग्राफिक कार्ड हम लोगों ने इनके बिल्ड में यूज़ किया है। और इसका सीरियल नंबर आपको दिखा देते हैं हम, ये देख लीजिए ये रहा इसका सीरियल नंबर। ठीक भाई, सो भाई देखिए आपके सामने ब्रेक हो रही है हमारी सील, सील ब्रेक हो गई, निकला ग्राफिक कार्ड, दिखाते हैं आपको ये निकाल के अंदर क्या क्या हमको मिलता है। मेन देखो Zotac एक ऐसा ब्रांड है जिनकी बिल्ड क्वालिटी से कभी भी आप डाउट नहीं कर सकते इनकी बिल्ड क्वालिटी पे, तीन फैन आपको मिलते हैं 120mm के, वाइट कलर है, Zotac गेमिंग का लोगो जिसमें RGB मिल जाती है, फुल हीट सिंक बैक प्लेट आपको मिल जाती है, लोगो है Zotac गेमिंग का उसमें भी आपको मिलती है इसमें RGB, और चार आपको इसमें मिल जाते हैं टोटल IO पोर्ट्स। ठीक भाई, सो आइए हम लोग करते हैं PC को बिल्ड। Syllable. Talking about big cash, that's the minimum. I'm done with this trash, taught to be critical. Show me your mental state before we get physical. Pour some water in your cup, let it drip, drip, drip. Now look straight into my eyes and you sip, sip, sip. It's about time, let you shine. Take off that leash so that we can have some fun. Key.
सो भाई पीसी हमारा बिल्ड होकर तैयार हो गया, मैंने सोचा आपको दिखा दें। तो असेंबलिंग का ये देखिए आप, जितना भी काम था हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है असेंबलिंग का, ए टू जेड देख लिए सारे कंपोनेंट्स, ऊपर लिक्विड कूलर से लेके ग्राफिक कार्ड, एनवीएमई पावर सप्लाई, सब कुछ ए टू जेड हमने इसमें अलाइन कर दिया है, ए टू जेड इसमें अलाइन कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं इसका हम लोग केबल मैनेजमेंट। सो भाई ये देख लिए, ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट, बहुत शानदार केबल मैनेजमेंट हुआ है मिस्टर पीसी वाले की टीम की तरफ से। कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताइए। आइए इसको करते हैं ऑन, 3 2 1 गो। तो भाई पीसी हमारा ऑन हो चुका है, और आप लोगों में से कई लोग बोला कि चलो भाई आपने लुक पे ध्यान नहीं दिया। भाई आयुष को अपना वर्क करना है, प्रोफेशनल वर्क, उसको लुक से कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो इसमें फ़ैन आपको दे रखे हैं फ्रंट में, 3 ARGB फ़ैन है, 140 mm के, 140 mm के 3 फैन दे रखे हैं कंपनी ने फ्रंट में, एक फ़ैन पीछे दे रखा है 140 mm का, 3 फैन टॉप पे लगे हैं 120 mm के लिक्विड कूलर के। इसका CPU हेडर में पन्नी चढ़ी, इसको हटाए रुको, ये मैंने रिमूव कर दी, ये कस्टमाइजेबल CPU होल्डर है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राफिक कार्ड है, इसमें भी आपको लाइट मिल जाएगी, 2 TB RGB रैम लगी है, रैम में भी लाइट मिल जाएगी। अब आप बोलोगे चलो भाई इतनी महंगी कैबिनेट आपने क्यों लगाई, भाई मुझे चाहिए थी इसमें आपको कि जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके उतना बेस्ट से बेस्ट वेंटिलेशन मिले और बिल्ड क्वालिटी अल्टीमेट मिले। तो पीसी कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए, फ्रंट में देखिए यार फैन देख लीजिए, टोटल मतलब परफॉर्मेंस वाला पीसी आप सोच सकते हो, 9560X प्रोसेसर लगा है, और उसके साथ साथ इसमें लगा है 4080 सुपर ग्राफिक कार्ड। बहुत प्यारा पीसी है, अल्टीमेट वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग पीसी इन अवर बजट। सो भाई देख लिए, ये रहा हमारा पीसी, कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। लाइट्स हमने ऑन कर दी हैं, लाइट्स ऑन होने के बाद मैंने सोचा आपको दिखा दें कि आपको कैसा लगा इसका फर्स्ट लुक। तो आइए काम करते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं इसका बेंचमार्क, और आप बेंचमार्क एंजॉय कीजिए। तो भाई कैसा लगा पीसी कमेंट करके बताना, बहुत अच्छा बहुत पावरफुल पीसी बनाया। आप भी इस तरह को नया पीसी बाय करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे दो नंबर आ रहे होंगे, दोनों में से किसी पे भी हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स कर दें और अपना पीसी की आप बुकिंग करा सकते हैं। चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक और हमारा वो है यूट्यूब का चैनल मिस्टर पीसी वाले शॉर्ट्स, देखिए आपके सामने आ रहा है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं इस वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।